दोस्तों मीका दी वोटी शो काफी लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है, जहां इस शो में कई खूबसूरत हसीनाएं मीका को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। तो वहीं अब खबरें आ रही हैं कि अभिनेत्री आकांक्षा पुरी इस चीज में कामयाब हो चुकी हैं और शो को जीतकर जल्द ही मीका सिंह की हमसफर बनने वाली हैं, जिसकी वजह से हर तरफ इन्हीं की चर्चाएं हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं आकांक्षा पुरी आज जहां काफी जाना माना नाम है, जिनके बारे में लोग सब कुछ जानते हैं, तो वहीं अभी भी इनसे जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स और किस्से हैं जिनसे लोग अभी भी बिल्कुल अनजान हैं। और अगर आप भी उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनसे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट के बारे में ही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, मीका दी वोटी शो से चर्चाओं में रही अभिनेत्री आकांक्षा पुरी का जन्म 26 जुलाई 1988 को भोपाल में हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से कंप्लीट हुई है। नंबर दो, अभिनेत्री आकांक्षा पुरी जहां आज खुद काफी सफल हैं, तो वहीं ये एक काफी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से भी आती हैं, जिनमें इनके पिता आर के पुरी जहां असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तो वहीं इनकी मम्मी चित्रा पुरी प्रोफेशन से एक एस्ट्रोलॉजर रह चुकी हैं। नंबर तीन, बता दें यूं तो आकांक्षा पुरी काफी रिच फैमिली से आती हैं, पर इनका बचपन गांव में बीता है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग भोपाल के ही गांव से की है। नंबर चार, शायद ही आप जानते होंगे पर आज एंटरटेनमेंट जगत का हिस्सा बनने वाली आकांक्षा पुरी बचपन में अपनी पढ़ाई के साथ ही स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी रखती थी। ये बचपन से ही अपने हर एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्ट लिया करती थी, जिसकी वजह से ये आज एक काफी अच्छी टेनिस और बास्केटबॉल प्लेयर भी है। नंबर पांच, बता दें यूं तो आकांक्षा पुरी बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी अच्छी रही हैं, पर इनके खूबसूरती और पर्सनालिटी की वजह से इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही किंगफिशर एयरलाइंस में इंटरनेशनल कैबिन क्रू के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। नंबर छह, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आकांक्षा बतौर कैबिन क्रू काम करने के दौरान कई मशहूर ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट में भी काम कर चुकी हैं, जिनके एक टीवी कमर्शियल को देखकर इन्हें तमिल प्रोडक्शन हाउस से फिल्म का ऑफर तक मिल गया था। नंबर सात, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि आकांक्षा पुरी टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं, जो कि शो में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग सीजन में नजर आ चुकी हैं। नंबर आठ, बता दें आकांक्षा पुरी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2015 की फिल्म कैलेंडर गर्ल से की थी, जिसमें इन्होंने नंदिता मेनन की भूमिका निभाई थी। शायद आपको मालूम होगा पर ये किरदार पहले इन्हें नहीं बल्कि मेघना राज को ऑफर किया गया था, पर किसी वजह से मेघना राज फिल्म से बाहर हो गई, जिसकी वजह से ये किरदार इनके हाथ लगा। नंबर नौ, वर्तमान में मीका सिंह के साथ शादी रचाने वाली आकांक्षा पुरी इंडस्ट्री में अपने ब्रेकअप और लव अफेयर को लेकर भी काफी चर्चाओं में रह चुकी हैं। जी हां, बता दें इनका नाम सिद्धार्थ शुक्ला से लेकर पारस छाबड़ा तक जुड़ चुका है, जहां पारस छाबड़ा को तो इन्होंने काफी लंबे समय तक डेट किया था, पर क्योंकि पारस इन्हें धोखा दे रहे थे इसलिए इनका ये रिश्ता ब्रेकअप तक पहुंच गया। नंबर 10, टीवी इंडस्ट्री में शो और फिल्म जगत में ढेरों फिल्में करने के साथ ही बता दें आकांक्षा पुरी कुछ समय पहले सिंगर जुबिन नौटियाल के गाने मैं जिस दिन भुला दूंगा में भी नजर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इनमें से आकांक्षा पुरी से जुड़ी किस अननोन फैक्ट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।